हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल समायरा एंड मायरा। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। तो ये दिन था 22 फेब, जब समायरा को मोस्ट इंटरप्राइजिंग स्टूडेंट इन क्लास 2 मिला था, जो कि बहुत ही प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। पर नेक्स्ट डे ही पता चला कि पापा आईसीयू में एडमिट हो गए, तो मुझे बच्चों के लेके नेक्स्ट डे ही हमें फ्लाई करना पड़ा। तो नेक्स्ट डे ही मैं, समायरा और मायरा वाईजैक से दिल्ली आ गए थे, क्योंकि पापा की तबीयत बिगड़ रही थी। तब तक पापा के साथ राकेश थे RR में, और जिस दिन हम पहुँचे उसी दिन 24 को वो नहीं रहे। एंड उसके बाद मैंने कुछ शूट नहीं किया, और काफ़ी दिनों से मेरा कोई वीडियो नहीं आया है, उसके लिए आई एम सॉरी। आगे से अभी मैं ट्राई करूँगी कि रेगुलर वीडियोस आएँ। ये वीडियो है जब उनके दिन हो रहे थे, मतलब 12 दिन जो कंप्लीट होते हैं, उसके बाद जो हवन किया जाता है, उस रिचुअल का वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वैसे तो पापा के बहुत सारे वीडियोज़ हैं मेरे पास, पर मैं अभी वो वीडियोज़ शेयर नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि हमें लगा था ना सब ठीक हो जाएगा, पापा रिकवर कर जाएंगे, तो हम वो वीडियोस भी शेयर करेंगे, हम सारी मेमोरीज़ कलेक्ट करेंगे। पर अभी उनके जो वीडियोस हैं, मैं वो पर्सनल सिर्फ हमारे लिए रखना चाहती हूँ, क्योंकि वो लास्ट का टाइम बहुत डिफ़िकल्ट भी था हमारे लिए। कैंसर से ही लड़ना बहुत ही मुश्किल था, तो जो हमने किया एंड हम नहीं मतलब हरा पाए कैंसर को, हम हार गए। पापा की बॉडी ने बहुत जल्दी गिव अप करना स्टार्ट कर दिया, और इतना अच्छा ट्रीटमेंट होने के बावजूद भी वो सर्वाइव नहीं कर पाए। एंड 24 फेब को वो हम से छोड़ के चले गए। गोलोक मोक्ष प्राप्ति हेतवे द्वादशा संस्कार करणार्थम गणेश पूजन गौरी पूजन बहुनानि पश्यन्ति सूर्याय नमः ओम एवं देवा चत्राय महति ज्येष्ठाय महति चांद्राजा इंद्र सिंद्रिया एवं मस्य पुत्रम से विष्णु राजनवती भौमाय नमः और वो टाइम हमारे लिए बहुत डिफ़िकल्ट था, स्पेशली राकेश के लिए एंड हमारे लिए भी, क्योंकि उन्होंने अपने फादर खोए थे, जिनके साथ उन्होंने बचपन बिताया, जिनसे मतलब उन्होंने सब कुछ सीखा। और वो बेटा जो अपने फादर के बहुत क्लोज़ होता है, और कहते हैं ना बेटा उस दिन बड़ा हो जाता है जिस दिन पिता का साया, पिता का हाथ उसके सर से हट जाता है, तो वो फील कर पा रहा था और इमोशनली बहुत टूटा हुआ था। ऊपर से एंड मेरे लिए भी मुश्किल था, फैमिली फ्रंट पे सबको संभालना, प्लस में बच्चों को संभालना। मायरा पे तो पिछले 2-3 महीने से बिल्कुल ध्यान नहीं दिया गया, पता नहीं क्योंकि फैमिली की सिचुएशन ही ऐसी चल रही थी। और यहाँ पे सब लेडीज़ बैठी हैं, जेंट्स बैठे हैं, जो भी उनके लास्ट रिचुअल्स थे हमने वो बहुत अच्छे से किए। ठीक है, इंसान चला गया है, पर उसकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। उनकी जो मेमोरीज़ हैं मेरे बच्चों के साथ, उनके पोतियों के साथ, वो हमेशा हमारे साथ रहेंगी। समायरा को समझाना बहुत मुश्किल था, क्योंकि अभी वो बहुत छोटी है और शायद वो चीज़ें समझ नहीं पाती, तो उसको समझाना बहुत मुश्किल था हमारे लिए। सो जैसे तैसे अभी संभल रहे हैं, फैमिली संभल रही है, हम लोग संभल रहे हैं, तो आगे मैं कोशिश करूँगी कि वीडियोस टाइम पे डालूँ। बस यही प्रेयर है कि वो जहाँ भी रहे हैं हमारे ऊपर अपना आशीर्वाद हमेशा बना के रखें, और हमारी फैमिली को अभी भी आपकी प्रेयर्स की बहुत ज़रूरत है, तो प्लीज़ अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखिएगा। अपना